विवेक ओबराई की डेब्यू प्रोडक्शन देख इंडियन सर्कस 16वें बुसान फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई, जिसे बेस्ट फिल्म के लिए ऑडियंस चॉइस अवार्ड भी मिला, जिसके बाद विवेक अब कुछ और फिल्में भी प्रोड्यूस करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि लोगों के पास अगर इंटरेस्टिंग आइडियाज हैं और आप एक पोजीशन में हैं जहां पे आप इन आइडियाज को फैसिलिटेट कर सकते हैं, आप सपोर्ट कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए। जैसे अब इस साल मेरा मन है बहुत कि एक बहुत प्यारी सी कहानी है जिसे मैं बनाना चाहता हूँ फिर से, आई वांट टू प्रोड्यूस इट एंड होपफुली दिसंबर जनवरी में मैं उस फिल्म को भी प्रोड्यूस करूँगा। बहुत प्यारी गुजरात के अंदर कहानी है, ह्यूमन स्टोरी है, शायद मैं उसमें एक्ट भी करूँ। तो इस तरह की चीज़ें मैं करते रहता हूँ, दिस इज स्टफ दैट आई डू फॉर माई सेल्फ, समथिंग दैट आई एंजॉय डूइंग। फिल्मों के अलावा विवेक चैरिटी भी करते हैं। विवेक ने साल 2006 में सुनामी पीड़ित गांव को फिर से बसाने में मदद की थी, जिसके लिए विवेक को रेड एंड व्हाइट ब्रेवरी अवार्ड भी मिला। विवेक कहते हैं कि वो जो कुछ भी हैं अपने परिवार की वजह से हैं। देखिए, हम एक्चुअली खुद कुछ नहीं करते हैं, हम सिर्फ माध्यम होते हैं। ऊपर वाला हमें चुनता है और कहता है यार ये बहुत अच्छा काम है, ये आज तुझसे करवाना है, और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि मुझे चुना, मुझे माध्यम बनाया। हर घर के अपने संस्कार होते हैं, मेरे घर में संस्कार यही रहा है, माँ बाप ने यही सिखाया है कि टेक केयर ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड, हेल्प द नीडी। विवेक को अपनी आने वाली फिल्म किस्मत लव पैसा दिल्ली का इंतजार है। इस फिल्म में विवेक के साथ मल्लिका शेरावत भी है। ये फिल्म 5 अक्टूबर को रिलीज होगी।